वेलकम बैक टू माई चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, मतलब बहुत स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसके टाइटल से ही आप लोगों को और थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। मैं आज कौन सा दिन है? आज है मंगलवार और मैं आई हूँ सैटरडे में। सैटरडे में नाइट में मैं आ गई थी, आपने देखा थोड़ा रात हो गया था, तो उस दिन मैं आ गई थी। और उसके बाद से मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्लॉग। तो अभी आप देखो यहाँ से आगे जो है वो ब्लॉग आप लोग देखो कि बेबी हुई है तो मुझे क्या गिफ्ट मिला या जो भी, तो आप ये ब्लॉग आगे देखो। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है? तो आप सब कुछ देखना, और जो मैंने गिफ्ट्स लिए हैं वो भी मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी, अभी यहाँ पे दिखाऊंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप लोग गेस कर लेना कि आखिर मुझे क्या मिला है, क्यों मिला है, किस तरीके से मिला है, ठीक है? और आप लोग मुझे कॉमेंट पहले फटाफट कर देना, ठीक है? और उसके बाद आप लोग देखना कि किस किस का जो कॉमेंट है वो मैच हुआ है, कि उन्होंने जो सोचा था वही है, जो सोचा था जिस तरीके से वही चीज़ है, क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप लोग ये ब्लॉग देखो, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से गिफ्ट के साथ। एक और बात बता दूँ आपको, ब्लॉग जो देखोगे ना कंटिन्यू बिल्कुल नॉर्मली, उसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे गिफ्ट क्या मिला है। तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि मतलब गिफ्ट क्या है, उसके लिए कॉमेंट करने के लिए। तो स्किप मत करना, आराम से उसे देख लेना, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल कामनी सिंह। कहीं ही कलर, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये एक अलग सा ब्लॉग है और मेरी बहन ने गिरा दिया। इसका ढक्कन नहीं मिला है, ये देखो इसका ढक्कन मिल सकता है, इतना छोटा है। तो देख उसमें है कि नहीं, पूरा हाथ डाल देना, अपने आप पता चलेगा। मैं सॉक्स पहन रही हूँ, तभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे नहीं पता कि मायके आज ही मुझे जाना है, और उससे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है? अब ये ब्लॉग में मार्केट मायके जाने से पहले डालूंगी या फिर ये बाद में डालूंगी, मुझे नहीं पता, देखूंगी जैसा टाइम चलेगा, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया है। तो अभी सारा ब्लॉग एक साथ एडिट कर करके डाल दूंगी। हाँ, मिल गया, ठीक है? ये मेरा लिपस्टिक ऑर्डर करके है तो डाल दूंगी। अब आप लोग सोच रहे तो फिर इतनी इमरजेंसी में मार्केट क्यों जा रही हूँ? नहीं, पर्स रख के चलूँगी मैं, आरती और विशा चले। मैं कहा मुझे अच्छी लगती हूँ, इससे ज़्यादा मतलब आप लोग से नहीं, आप लोग से नहीं, इससे ज़्यादा। चलो भाई चलते हैं। आवतन यानी ओम के ठीक बा। हाँ अभी तो बहुत यात्रा है, मैं आप कुछ दे दो चाहिए दाल चावल। हाँ मैं आज जा नहीं रही, मैं अभी थोड़ी इधर आओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। एक नंबर मार्केट, उधर रहो, ठीक है? अब जाओ नानी के पास, वापस आ जाओ, मैं भी जाऊंगा। इधर आओ, सुनो, नानी के पास जाओ। आपको लगा मैं जा रही हूँ? नहीं बेटा, मैं आपको लेके जाऊंगी बेटा, ठीक है? बाय नानी, बाय। चल सो गाइस, तो आजकल की शॉपिंग का जो है ये क्या बताएगा। मैंने तो सोचा था कि मैं भाभी से जो पुराना धुराना जो है उसी में से कोई एक ले लूंगी, अपना काम चला लूंगी। लेकिन अगर वो सब पुराना उराना ही लेना, मैं तुझे नया दिलाऊंगा शॉप पे जाके, है ना? ऐसे ही हमारा अकेले लेके आता हूँ, अकेले ले जाकर धक्का धक्का दे दिया। एक अपना गिफ्ट करके मेरा धक्का दे दे। इसलिए मैं अपना क्या बोलते हैं सपोर्टर एक पीछे लेके आई हूँ। आरती जैसे मुझे यहाँ से धक्का देखा तो पीछे से गेट खोल कर कूद जियो, ठीक है? घर पे जाकर पापा को बता दी। पापा पापा हम देखा नहीं है भैया, दीदी का धोखे तरला। देख रहे हो गाइस कैसा बोल रहा है? तो हाँ जी, आज हम उसी स्पेशल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जो तो हमारी जो भतीजी हुई है इसके लिए स्पेशल। देखिए क्या दिलाता है, मैं खुद से पसंद करूँगी, अच्छा से अच्छा, महंगा से महंगा, भारी से भारी, भारी से भारी में ज्वेलरी हो गया। अन्ना हम लेके आए नहीं, तो हम अपन नाम बदल दे, कामनी से कमीनी का है, कमीनी रख दे। और गाइस मैं कैसे लग रही हूँ ड्रेस में? कहा ठीक, बता चलते तो पानी हम कटे ना कर। गाइस इस वीडियो में इतना जो वीडियो है ना, मैं इसको लाइव डाल देती हूँ कि मैं और आरती दोनों मारे तभी पता चल जाए लोगों को।
किसी की बात, मुझे आज घर जाना है, मुझे नोएडा जाना है, ऐसी बात मत बोलो। क्यों मरेंगे भाई, तू ढकेल के आ जाइयो भाई सब, ठीक है? फिर भी नहीं मरेंगे। मैं क्यों मरूंगी, ढकेलने सोने को मरता है, देख ढकेल दिया इसको, मर गया, कुछ हुआ? तो ऐसा ऐसा देखा है आपने भाई? ऐसा नहीं देखा ना, आप लोग देख लीजिए। हाँ देखते हैं क्या होता है इस इंसान को। हम यहाँ पे खड़े हैं मेरा भाई जाने के लिए, और ये अपना पागल, ये देख देख ऐसे जाने बेफालतू है, पता नहीं क्यों, और इमोशनल भी हुए जा रहे, भगा रहे, भागे नहीं, अजीब से कर रहे हैं कुछ देखना, मतलब ऐसे से लोग पड़ जाते हैं पीछे पागल से, एक बार मिसाल आएगा पीते का तब पता चलेगा। सब लोग देख रहे हैं। सो गाइस हम मार्केट में पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना मुझे पैदल चलना पड़ेगा, मेरा ड्रेस नीचे तक लोग नहीं। एक्चुअली मार्केट में इतनी भीड़ होती है ना, तो हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, तो इस वजह से गाड़ी को भी रोकना पड़ा। मेरे लिए नहीं दिलाएगा भैया, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे हमने गिफ्ट्स देखे, चेन भी देखे, झुमकी भी देखे, झुमका भी देखे, मतलब बड़ा छोटा सब कुछ देखा, लेकिन लिया क्या है, कैसा डिजाइन है, सब कुछ आपको एंड में देखने को मिलेगा, एंड फैमिली रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। बट क्या हुआ था ना कि जो मैंने पूजा को दिखाया था, वो मैं उस दिन जो मायके से आते टाइम मैंने जो ब्लॉग डाला था, मैं उसके पास बैठी थी मम्मी को लेके, उसी टाइम दिखाया था, तो मुझे ध्यान नहीं आया और वो क्लिप मैंने डिलीट कर दिया, मुझे लगा वो मायके से ससुराल आने वाला क्लिप है। ये देख दीदी छोटा सा, दस 340 उसका, दस 620 इसका, ज़्यादा ये वाला पहनिए, या तो इससे उससे होगा, इसमें गोल्ड के टैच भी लगे हैं, वो तो लगा देंगे यार। ऐसा भैया 3 जूस दे देना। मिक्स फ्रूट्स का, ऑरेंज के लिए, हाँ ओके, तुम्हें ले जाते हैं मैंने।
मतलब आपको पता चल रहा है इसमें दो चम्मच का मतलब, पता चल रहा है ना इसमें दो स्ट्रॉ का मतलब। हम शेयर करके पिएंगे आरती ने भी डिमांड किया था कि भैया मुझे भी दिला दे, तो उसको भी कुछ दिलाया, लेकिन कब दिलाया क्या दिलाया आपको उसके ब्लॉग में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सो गाइज हमारी शॉपिंग हो गई और दिला दिया भाई ने, पर बाद में दिखाएंगे क्या दिलाया, अभी बाद में दिखाएंगे। नहीं नहीं चेंज करा के चलेंगे ना, जो जो मामू लाए जो उस दिन लाए थे ना वो वाला पहन के, नया वाला बेटा। चल चल सोच मैं रेडी हो जाऊँ फटाफट से, साड़ी तो पहन लो। पुराना डिजाइन हो गया, अच्छा लग रहा है ना अभी, अच्छा कहे ना लगी बार भैया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दो को एक ही में हो गई, हाँ दो एक ही में ब्याह के भी, अरे इसका भी तीन हो गई, तो शादी के सालगिरह भी हो, शादी सालगिरह में क्यों नहीं लग रहा है ब्याह में, वो भी देख के अब मम्मी यहाँ पर इसमें मजाक कर रही थी कि दो एक ही में हो गया है ना, क्योंकि आते ही मैंने बताया हुआ था कि दोनों का बदला एक ही दे दिया है। और मौसी जी यहाँ पे पूछ रही थी कि तहरा का मिडिल बाबा वो पट्टन को समझ नहीं आया कि शादी की बात हो कर रही है, तो शादी में इनको विशाल ने उसी टाइम रिंग दे दिया था और अभी ये कपड़े दिया था, तो उन्होंने इसको बताया। तो गाइज ये है डिज़ाइन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। ये जो नीचे ये लटका हुआ है ना गोल गोल से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है झुमके में ये, और ये डिज़ाइन आप देखो जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ना, मुझे तो बहुत प्यारा लगा तभी मैंने लिया। एक छोटा सा भी देखा था बट वो नहीं लिया, पहले वही लेने की बात हुई थी, फिर मैंने बोला नहीं दोनों के बदले एक ही दिला, तो ये दिलाया, बोला तू पसंद कर ले। ओके गाइज तो आप लोगों ने देखा ब्लॉग में है ना, मैं आप लोगों को तो मैंने वो जो गिफ्ट लिया था जब मैं गई थी ना छठी था, मेरी भतीजी का जब छठी था उस टाइम ही जब मैं घर आ रही थी उसी दिन, उससे पहले जबकि मैंने उस ब्लॉग में बताया हुआ था कि मैं कहीं गई हुई थी इसलिए मुझे लेट हो गया, शाम हो गई थी आने में और पापा गुस्सा कर रहे थे कि मत जाओ रात हो गई रात हो गई, तो वहीं भाई लेकर चला गया था कि अब आई है और सब कुछ वो हो गया तो तू लेके ही जा ठीक है। तो उसने मुझे गिफ्ट दिलाया, और गिफ्ट जो दिलाया तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि दी आपने शादी का तो गिफ्ट लिया ही नहीं था, शादी का गिफ्ट नहीं लिया क्या दिया, या फिर आपने बताया नहीं ऐसे, तो सच में मैंने शादी का गिफ्ट कुछ नहीं लिया था इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया था नहीं बताया था, वो पेंडिंग था, तो मेरे भाई ने बोला कुछ टाइम भी नहीं ली थी तो अब चल ले ले ठीक है। तो हम लेने गए वहाँ पर गिफ्ट, तो उसने दिखाया मतलब बजट से बाहर था जो मैं सोच रही थी, तो मतलब ऐसा होता है ना कि भाई ऐसा थोड़ी नहीं किसी से गिफ्ट लेना है तो कुछ भी अपना ले लो कि हाँ इतना महंगा है ये है जैसे भी जो भी है ना,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि लालच, ठीक है। जब मैंने छठी के टाइम पे मांगा था, नहावन के टाइम पे, सॉरी लिपने के टाइम पे, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे कि यार ऐसी ननद कैसी है, लालची से मांग रही है। देखो हमारा भी हक होता है, ठीक है, मायके में, ससुराल में, हर एक चीज़ को लेके। तो अगर जो चीज़ प्यार वाला हक होता है ना, तो उसे हमें मतलब कि सामने रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लूँगी तो मैं दूँगी, मतलब जो है जहाँ पे रिश्ता उतना ही तक, ठीक है। तो इसलिए मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, बट ये एक रस्म है, एक खुशी है, तो जिसकी वजह से हाँ मैं मतलब मैंने अपना दिल खोल के बोला और मेरे भाई भाभी ने उसे पूरा किया, तो बस मुझे इस चीज़ की खुशी है। तो जब मैं गिफ्ट लेने गई तो वहाँ पे मैंने भाई से, मुझे भाई जो दिला रहा था वो थोड़ा छोटा था, फिर मैंने उससे बोला कि नहीं मुझे इससे हैवी दिला दे, मेरा शादी का और उसका एक ही साथ हो जाएगा, मैं इतना छोटा लेके क्या करूँगी, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो उसने मुझे बोला चल ठीक है, शादी का भी हो गया और बेबी का भी हो गया, तब मैं बहुत खुश हो गई। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, अब मैं बहुत उस चीज़ से मैं तो इमोशनल हो गई कि हाँ उसने इतना बड़ा गिफ्ट दिलाया मुझे, ठीक है, और इतनी खुशी से कि चल ठीक है दोनों तू ले ले एक ही बार मिल ले। मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो वो पता नहीं क्यों उसका एक अलग अटैचमेंट है मेरे साथ, तो नजर ना लगे जिससे स्पेशल होता है उससे टूट जाता है बॉन्ड, ठीक है। तो ये हुआ, तो मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाऊं। मैंने घर पे जब मैं लेके आई तो मैंने वहाँ पे दिखाया सबको, मम्मी क्या बोलते हैं आरती, विशाल तो गए, आरती तो गए ही थे, पूजा वहाँ पे दिखाया, मुझे जल्दी में आना था, मौसी नहीं आ पाई थी तब, उनके घर कोई आया हुआ था। उसके बाद मैं आई तो मैं लेके नहीं आई थी अपने साथ, बिकॉज रात में भी आई थी, फिर सोचा था कि जब फंक्शन होगा ना तब आऊँगी या फिर वैसे कभी आऊँगी तो ले जाऊँगी, ठीक है। फंक्शन का पूरा गारंटी नहीं था बट फिर भी आशा थी कि शायद फंक्शन हो 10 तारीख को, एनिवर्सरी है तो, ठीक है। फिर मैं लेके आई तो यहाँ पे लाई, तो देखा आपने अभी पीछे ब्लॉग में, मौसी जी को, मम्मी जी को, सबको मैंने दिखाया, सबको बहुत पसंद आया। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, है ना। तो ये गाइस ये है मेरा गिफ्ट, कैसा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने खुद पसंद किया है, ये साउथ इंडियन टाइप में है, बहुत प्यारा झुमका है। आप लोगों को जूम करके दिखा रही है, आप लोग देखो, डिजाइन देखो, बैक कैमरे से भी इसका जो डिज़ाइन है दिखा दूंगी, बहुत ही प्यारा सा, इस पर कटिंग और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आप लोगों को ये गिफ्ट कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बकबक कर लिया, लंबा हो जाएगा ब्लॉग, ठीक है। अभी दिखाती हूँ आपको, हाँ जी, और थैंक यू सो मच, मुझे आप लोग उस जोन से निकालने की कोशिश कर रहे हो जो कि यूट्यूब ने मेरे साथ किया है, कि उन्होंने वैसे अच्छे के लिए ही किया था कि रीच जो है वो देखने के लिए, कि सर्च करके मुझे कितने लोग देख पाते बिना सब्सक्राइब किए हुए। लेकिन अगर आप देख रहे हो आपको सब्सक्राइब करने का बटन नहीं दिख रहा है तो आप लोग चैनल खोल के वहाँ पर जाके, और थोड़ी सी हेल्प कर दो, वहाँ पर जाके आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पहले ये मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दूँ।